वीर और जिंटू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। उन दोनों का बहुत ही रंगीन मिजाज था। वो हर लड़की को आते जाते हुए ताड़ते थे और उसके बारे में बात करते थे। उनके ऑफिस में इमली नाम की एक खूबसूरत लड़की काम करती थी। वो दोनों उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन इमली अपनी कैबिन की तरफ जा रही थी। उसे देखकर वीर जिंटू को कहता है, जिंटू देख तेरी भाभी कितनी खूबसूरत है ना। जिंटू वीर से कहता है, खूबसूरत तो है लेकिन भाभी होगी तेरी, मेरी नहीं, ये तो मेरी बीवी बनेगी। तभी इमली वीर के पास आती है और उसे कहती है, हेलो वीर जी, गुड मॉर्निंग। तभी वीर उसे देखता ही रह जाता है, उसे जवाब नहीं देता। तभी जिंटू जोर से इमली से कहता है, गुड मॉर्निंग इमली जी, कैसी है आप। इमली जिंटू से कहती है, हाँ जिंटू मैं ठीक हूँ, लेकिन वीर जी आपको क्या हुआ है। वीर इमली से कहता है, अरे कुछ नहीं इमली जी, वो बस थोड़ा दर्द है कमर में। इमली वीर से कहती है, हाँ हाँ होती है इस उम्र में दर्द, आप कहे तो मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर दूँ। ये सुनकर जिंटू हंसने लगता है और वीर गुस्से में इमली से कहता है, जाओ जाकर अपना काम करो। जिंटू वीर से कहता है, आप इमली जी पे गुस्सा क्यों कर रहे हो, उन्होंने सही तो कहा है, आपकी उम्र हो गई है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते है। एक दिन जिंटू और वीर खाना खा रहे होते हैं। उनके पास इमली आके कहती है, जिंटू मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर जिंटू खांसने लगता है। वो इमली से कहता है, आपने क्या कहा इमली जी, एक बार फिर बोलिए ना। इमली जिंटू से कहती है, हाँ जिंटू मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मुझे मेरे छोटे भाई जैसे लगते हो। वीर को ये बातें सुनकर हंसी आने लगता है। फिर इमली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर वीर जिंटू से कहता है, क्या हुआ जिंटू उर्फ इमली के भाई, क्या हुआ। एक दिन इमली पूरी ऑफिस में मिठाई बांट रही होती है। वो वीर और जिंटू को भी मिठाई देती है। फिर वीर इमली से कहता है, इमली जी आप ये किस खुशी में मिठाई बांट रही है। इमली वीर से कहती है, वीर जी अगले हफ्ते मेरी शादी है ना, इसीलिए। ये सुनकर वीर और जिंटू दोनों का दिल टूट जाता है। फिर जिंटू वीर से कहता है, वीर भूल जा इमली को, वो तो हमारी किस्मत में है ही नहीं, अभी किसी और को पटाना होगा।